बहुत डिवाइडेड है, बहुत सुंदर लगा एंड आई हैव सॉन्ग वन ऑफ द सॉन्ग्स इन द मूवी सो इट फेल्ट वेरी अमेजिंग टू बी देयर और मतलब हॉल पे अपना गाना सुनना वो एक अलग फीलिंग होती है. थैंक्स टू ईच एंड एवरीबडी, थैंक्स टू वी मोशन पिक्चर्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर देम. एंड बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत इमोशनल प्लॉट है एंड द एंडिंग इज़ वेरी 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 नाइस. आप सबको मूवी देखनी चाहिए, इट्स अमेजिंग. एंड आई स्पेशली लाइक द कैरेक्टर, केसर का जो कैरेक्टर था मुझे बहुत पसंद आया और डायरेक्शन वॉज ऑसम, फ्लॉलेस. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी फिल्म थी. तीन चार छोटी छोटी स्टोरी लाइन्स हैं, बहुत सिंपल स्टोरी लाइन्स हैं लेकिन बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जोड़ी गई हैं ऐसे मुझे लगता है. छोटे बच्चों की जो स्टोरी लाइन है उसमें जितना इनोसेंस है उतनी ही मच्योरिटी जो अपना लीड कपल है उनकी स्टोरी में भी है. आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही मतलब एक उभरते हुए प्यार की कहानी, एक मच्योर्ड लव स्टोरी भी और एक बच्चों की एक दोस्ती में जो प्यार है वो भी, सारी चीज़ें बहुत खूबी से दिखाई गई है. आई लव द फिल्म. थैंक यू. खास करके फिल्म की सिंप्लिसिटी काफ़ी अच्छी लगी. सबने बच्चों से लेके जितने भी कलाकार इसमें हैं उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जेन्युइनली काम किया है. स्टोरी वाइज या डायरेक्शन वाइज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉलीवुडी या ऐसे कुछ ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे मुझे लगा और वो बहुत स्वीट अच्छा एक्सपीरियंस था. थैंक यू सो मच. आई थिंक द किड्स एक्टेड वेरी वेल एंड ओवरऑल कॉन्टेंट मूवी का बहुत अच्छा है. थैंक यू. और हम लोग मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्या भैरव अच्छा लगा और लक्ष्मण भी अच्छा लगा. लक्ष्मण वॉज द बेस्ट. थैंक यू. स्पेशली शरीफ हाशमी सर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन अवर कंट्री. सो ओवरऑल वेरी गुड फिल्म, सो मस्ट वॉच. थैंक यू. बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं सभी ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ इस मूवी को देखिए और इस मूवी को आप सुपर डुपर हिट कीजिए. काफ़ी मेहनत की है सभी स्टार कास्ट ने, डायरेक्टर ने भी काफ़ी मेहनत की है. तो इस मूवी को आप लाइक करो, शेयर करो, जल्द से जल्द इस मूवी को सुपर डुपर हिट करो और थिएटर में आओ इस मूवी को देखने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया है, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, गुड म्यूजिक एंड वेरी. देखिए फिल्म मतलब बहुत ही बढ़िया है और जिस सब्जेक्ट पे डील है इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ एज वी आर यू नो इन दिस टाइम. तो जिस हिसाब से पूरी फिल्म फ्लो करती है और जैसे गाने हैं उसके बहुत ही बढ़िया है, सो मस्ट वॉच. 8 Awesome. पहले तो मूवी एकदम औसम है, स्टोरी भी हटके है और जो भैरव का रोल है वो तो एकदम बेस्ट और क्यूट से भी क्यूटनेस निखर रहा है वो भैरव के एक्टिंग में. बाकी सबका भी एक्टिंग बहुत मस्त है. स्टोरी भी जो लिया है वो बहुत मस्त है, इमोशनल है, कॉमेडी है, बहुत औसम है बहुत. मैं 5 स्टार दूंगी.